हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत मने और मैं हूं ज्योति कुमार। हम लोग फिजिक्स फैकल्टी एंड हम दोनों ही लोग आपका स्वागत करते हैं अपने इस एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ये लास्ट 6 मंथ रहा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल रहा। आप लोगों की पढ़ाई जो भी कोचिंग्स में हो रही थी, जो स्कूल में हो रही थी, वो पूरी तरीके से आपका लॉकडाउन के कारण बाधित हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन लाया है और वो है स्प्रिंट। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जो नेक्स्ट ईयर 2021 में ITJEE और नीट के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार सा सॉल्यूशन एडुराइज इंडिया लेके आया है और उसका नाम है स्प्रिंट बैच। तो ये स्प्रिंट प्रोग्राम बच्चों को कैसे फायदा करेगा, उनके पेरेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, उनके हेडेक को कैसे कम करेगा, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर आपका। सर, जैसे कि आपको ये बताऊं, ये जो स्प्रिंट बैच है ये 12th अपीयरिंग एंड पास स्टूडेंट्स के लिए है और ये 4 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक है सर। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर ITJEE और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम की खासियत सर मैं आपको बताऊं तो सर, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से R&D वर्क करके इन स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर प्लान तैयार किया है और उसके अकॉर्डिंगली DPPs भी तैयार किया है। सो मैं आपको लेक्चर प्लान बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप बताइए। बिल्कुल सर, जैसे आप यहां देख पाएंगे तो मैंने जो भी पूरे 11th 12th के सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है और उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने तैयार किए। जैसे आप देखेंगे कि आपका पहला टॉपिक यूनिट डायमेंशन बेसिक मैथ्स और वेक्टर के, ये जो कि क्लास 11th का है। और आप देखेंगे उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपके 12th के हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और सर, सर एक मिनट, इसमें कुछ 11th फिर 12th फिर 11th ऐसा क्यों? सर, जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे 11th 12th से आने वाले हैं सर। So, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ 11th का पढ़ाएं या सिर्फ 12th का पढ़ाना है, हमारे को पूरा ही पढ़ाना होगा सर। इसलिए हमने दोनों को पैरेलल लेकर के ही आगे चलने का कोशिश किया है, क्योंकि बच्चे को ना तो 11th का छूटे ना ही 12th का छूटे। और सर, इसमें एक और बात बताऊं सर, कि हर वीक आपकी 6 डेज क्लासेस होंगी और जो संडे होगा आपका टेस्ट होगा, इस टॉपिक पे बेस्ड टेस्ट होगा। तो एक वीक आपका जो ये टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट होगा, वो JEE मेन बेस्ड होगा और उसके जो क्वेश्चंस होंगे इसी टॉपिक से आएंगे। नेक्स्ट वीक की बात बताऊं सर, तो नेक्स्ट वीक आपका एक JEE मेन का टेस्ट होगा और एक JEE एडवांस का भी होगा सर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट नीट के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बिल्कुल इसी तरीके से टॉपिक वाइज एंड पूरे वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लान बनाया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगले साल नीट का या JEE मेन एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक परफेक्ट प्लानिंग बनाया है सर। ये तो स्ट्रक्चर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या है? जी सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारे को जैसा पता है कि 11th की पढ़ाई उनकी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, तो सर हमने उनकी 12th की पढ़ाई को ही ज्यादा फोकस रखा है और ये जो टॉपिक्स हैं, जो 12th के टॉपिक्स हैं, उसको हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है और 11th के टॉपिक को हटा दिया है। तो सर, ये जो 12th स्टूडेंट्स के लिए जो होंगे उसमें हम लोगों ने उनके लिए 12th को खास कर ध्यान में रखा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं सर कि उनके लिए हमने बोर्ड को भी, 12th बोर्ड को भी ध्यान रख करके DPPs बनाए हैं सर। सो मैं आपको DPPs दिखाता हूं सर, मतलब बच्चों को इससे बोर्ड प्रिपरेशन में भी फायदा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सर, मैं आपको एक DPP दिखाता हूं सर कि कैसे हम लोगों ने DPP बनाया है। तो सर, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पहला हमारा DPP है, डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन का है, तो इसमें जो सर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। आप देखेंगे तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं और जो JEE मेन एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसी को ही हमने फोकस रखा हुआ है सर। ये जो 34 क्वेश्चंस हैं आप इसमें यदि देखेंगे सर, तो अराउंड 25 क्वेश्चंस जो होंगे लास्ट 3-4 ईयर्स में जो JEE मेन एडवांस में आए हुए वही क्वेश्चन है सर। तो बच्चों को वही क्वेश्चंस करने हैं जो लगातार JEE मेन एडवांस और नीट में पूछा जा रहा है। अननेसेसरी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कोचिंग इंडस्ट्री में कराए जाते हैं और कभी वो आज तक एग्जाम में नहीं आया है सर, हम लोग उस पे फोकस नहीं करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस है कि कैसे वो नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स ला पाए। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे।
तो इस तरह का प्रोग्राम, क्या इस तरह का डीपीपी केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सब में है? बिल्कुल सर, ऐसा ही डीपीपी आपके केमिस्ट्री मैथ्स बायो हर चीज में है सर। और क्या ऐसा ही मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो प्लान मैं दिखा रहा हूँ वो जस्ट एक सैंपल है, एक सब्जेक्ट के लिए है। ये पूरी तरीके से आपके जेई मेन एडवांस और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, सब के लिए वेल डिजाइन डीपीपीज ऑलरेडी हम लोगों ने तैयार किया है। काफी रिसर्च करने के बाद हमारी टीम ने इसको तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा प्लान है, ये आपको हमने बताया कि 4 मंथ्स प्लान में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट ईयर अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। तो सर, क्या मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल सर, हम लोगों ने 100% स्कॉलरशिप तक की बात रखी है। जो भी अच्छे बच्चे हैं या जो भी खराब रैंक लाए हैं और वो फिर से अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने 100% स्कॉलरशिप रखा है। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो वो आप हमारे सेंटर पे आकर के आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस साइट को नहीं देखा है, जल्दी से जल्दी आप इसको विजिट करें और इस नंबर पे आप कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पटना इतना बड़ा शहर है, तो क्या इसमें एक ही स्टडी सेंटर है या बहुत सारे हैं? नहीं सर, हमने शहरी बच्चों के लिए ध्यान में रखा है। वो अभी पता है मुझे कि वो अभी के समय में बहुत दूर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो हमने पूरे पटना में 3 सेंटर्स जो है हमारे हैं, बोरिंग रोड, कंकरबाग और बेली रोड। और बच्चे, जहाँ के भी बच्चे हैं, वो अपने जो नजदीक सेंटर में जा करके एडमिशन ले सकते हैं और वो अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, जो भी बच्चे अभी तक इसको एनरोल नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हमने 2 बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एक 4 नवंबर से और दूसरा बैच हमारा 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हरी अप एंड जल्द से जल्दी हमारे इस स्प्रिंट प्रोग्राम में इनरोल करें और तेजी से दौड़ने की कोशिश करें कि अगले साल वो फर्स्ट हो सके और अच्छी रैंक ला सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।